कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर। शिवपुरी में तीन रेल यात्री महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजन के मुताबिक कोटा पैसेंजर ट्रेन में बैठी महिलाओं को पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर पिला दी गई और फिर लूट की गई। जानकारी के मुताबिक सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के पास लूट की गई है। यह महिलाएं ग्वालियर से शिवपुरी आ रही थी, जो कि पुराना शिवपुरी क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। महिलाओं से मोबाइल, पर्स और पायल की लूट हुई है। कैमरा 24 के लिए मोनू प्रधान की रिपोर्ट। सर, ग्वालियर से आ रहे थे शिवपुरी के लिए, तो ट्रेन में किसी ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ दे दिया और ट्रेन में मतलब बेहोशी की हालत में इनके पैसे, पर्स, मोबाइल और जो पैर के जो होते हैं ना कड़े, वो माने किसने निकाल लिए। हाँ, पुलिस को दिए भाई, शिवपुरी का रेलवे स्टेशन है। हाँ, मेरी चाची थी और दादी थी, तो उनको उनके भी उनके साथ भी यही हुआ। उनके साथ भी उनके पैसे वगैरह सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचा उनके पास। एक रुपये तक आने के लिए पैसे नहीं थे। कोटा पैसेंजर, इंदौर जिले के देपालपुर अंतर्गत बनेडिया क्षेत्र में रहने वाली एक ही परिवार की दो किशोरी बालिकाओं की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मामले में राजेंद्र पटवारी के मुताबिक संभावित फूड पॉइजनिंग के चलते मृत्यु हुई है, जबकि मृतक बच्चियों के पिता एवं मां की भी हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। देपालपुर से संदीप सैन की रिपोर्ट। सवेरे जो है उनकी दोनों गुड़ियाओं की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो बड़ी गुड़िया को लेके आए तो वो रास्ते में ही एक्सपायर हो गई। छोटी गुड़िया के साथ हम उनको महावीर हॉस्पिटल में लेके आए थे देपालपुर में, तो थोड़ी देर इलाज हुआ, उसके बाद वो गुड़िया भी एक्सपायर हो गई। संभवतः फूड पॉइजनिंग का मामला है, क्योंकि उनके कुछ देर बाद उनके पिताजी की भी तबीयत ख़राब हो गई, नितेश जी की भी, तो उनको इंदौर भेजा गया है हॉस्पिटल में, और उनकी मम्मी भी महावीर हॉस्पिटल में देपालपुर में एडमिट है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र पटवारी। भिंड जिले के महगांव विधानसभा के ग्राम गाहिली में कुछ दबंग लोगों ने रोड पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की गई थी। इस मामले की खबर चलने के बाद अधिकारी हरकत में आए तथा 100 मीटर लंबी एवं 15 फीट चौड़ी रोड का निर्माण कराया गया, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। कैमरा 24 के लिए भिंड से अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं महगांव विधानसभा के गहेली ग्राम में। यहाँ पर कुछ समय पहले इस वाले रोड पर काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको यहाँ पे जो कि हमारे पूर्व SDM है वो यहाँ पर आए थे और इस अतिक्रमण को यहाँ से हटा दिया था। यहाँ के गांव के लोगों ने भिंड में जो कि भिंड के कलेक्टर थे अलैया राजा टी, उनको भी एक ज्ञापन दिया था कि गांव में इस रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हमारे साथ में गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं इस रोड के बारे में। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, बताएं इस रोड पर कितने टाइम से अतिक्रमण था? काफी टाइम से बंद थी ये रोड। इस रोड का क्या हाल है, स्वचालित रूप से? अभी ये रोड चालू हो गई है, सरपंच साहब ने इस रोड को बनवा दिया है, रास्ता खुलवा दिया है, इस पे आम रास्ता में आदमी चल रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? सहदेव त्यागी। आइए हम यहाँ पर गांव के दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं और उनका क्या कहना है वो भी अपन जानना चाहेंगे। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? भारत सिंह। अच्छा, ये रोड बिल्कुल स्वचालित रूप से चालू हो गई? आपको चालू हो गई सर। हाँ, अब आपको कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं, हम पोस्टमैन है इस गाँव के जी, इसी रोड से हम निकलते हैं जी। पहले जो है बंद थी ये जी, अब चालू हो गई। तो पहले बंद थी तो आपको क्या परेशानी होती थी? परेशानी निकल नहीं पाते सर आप जी। क्या नाम है आपका? भारत सिंह जी। जैसा कि यहाँ के अब ये रोड दोबारा से स्वचालित रूप से चालू हो गई है और यहाँ पर लोगों का आवागमन चालू। शिवपुरी जिले के करेरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने गड्ढों का पेंचवर्क कर भाजपा सरकार का विरोध किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस नेता मानसिंह फौजी के नेतृत्व में हुआ, जहाँ स्थानीय कॉलेज रोड पर गड्ढों की पुराई की गई। भारतीय जनता पार्टी का जो अमेरिका से की सड़कों से उदाहरण देते हैं, आप देख लीजिए इसकी क्या हालत है। वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय कोमल साहु जी हैं, भाजपा के हैं, जो 15 साल से विराजमान है करेरा की सीट पर। मैंने आज से करीब एक महीना पहले माननीय SDM साहब महोदय को मैंने ज्ञापन दिया
आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने अपना कॉलेज रोड और महुगर पुल का जो ज्ञापन दिया था माननीय SDM साहब को, उन पर थोड़ा बहुत काम हुआ है। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम भलुहात राही के समीप रात्रि के समय 100 डायल वाहन चालक के सिर पर पत्थर से हमला कर घायल कर दिया गया। बताया गया कि वाहन के सामने खड़े लोगों को हटाने गए पुलिसकर्मी से झूमाझटकी हुई और बीच बचाव करने पहुंचे चालक पर हमला कर घायल कर दिया गया। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। कैमरा 24 के लिए नईगढ़ी से सुभाष पटेल की रिपोर्ट। तो रात में दो आदमी मिले भलुहात राह में, तो पहले रोड के किनारे खड़े थे, जहाँ गाड़ी देखे तो सामने खड़े हो गए। जब गाड़ी के नीचे खड़े हो गए तो स्टाफ जो साहब थे तो उतर के गए, उसको साइड में किए तो गाली गलौज करने लगा, उतर लपट पड़ा उनसे। तो मैं भी गाड़ी से उतर के गया उनको बचाने के लिए। जब बीच बचाव किया तो चला गया साइड में, MTI साहब को फ़ोन लगाने लगा। जैसे फ़ोन लगाने लगा साहब को, पता नहीं पीछे से भागते हुए आया, पत्थर मार दिया सिर में। पत्थर मारने के बाद भाग गया, गाड़ी उसकी मौके पर मिली, जिसको उसको ज़बरदस्ती थाने लेके आ गए। रिपोर्ट दर्ज हुई, नॉर्मल धाराएं लगाए हैं और कुछ नहीं लगाए। जनपद लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लूट आदि की घटनाओं की स्थिति में अपराधियों की घेराबंदी व गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन प्रहर की रिहर्सल की गई। पुलिस के मुताबिक रिहर्सल में सामने आई कई कमियों में सुधार किया जाएगा। रिहर्सल में सिविल पुलिस, यातायात पुलिस तथा UP 100 को शामिल किया गया। रिहर्सल में जनपद लखनऊ के थाना हजरतगंज, गौतमपल्ली, हुसनगंज, कैंट, गोमती नगर एवं कैसरबाग को सम्मिलित किया गया है। कैमरा 24 की लखनऊ से मिंटू शर्मा की रिपोर्ट। एक हम लोगों ने प्रहार स्कीम बनाई है, प्रदेश की राजधानी है और ये हाईली सिक्योर्ड एरिया या सराफा की दुकानें हैं उसके आसपास का क्षेत्र, यदि वहाँ कोई लूट होती है, कोई लूट करके भागता है, इसको कौन से चौराहे पे खड़ा होकर चेकिंग करना है। इसमें UP 100 और ट्रैफिक पुलिस को भी हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है थाने की पुलिस के साथ, उसी के रिहर्सल चले नकरे से। आज जो कमियाँ निकल के आई हैं उस कमियों को पूरा करेंगे और अपना जो घेराबंदी के जो पॉइंट्स हैं को अगली बार और बेहतर करेंगे। निरंतर जारी रहेगा जब तक कि और इसमें निखार आता जाएगा। सिवनी जिले के लखनादौन में वुमेन्स क्लब के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लखनादौन नायब तहसीलदार पूजा राय मौजूद रहीं। वुमेन्स क्लब के द्वारा आपसी मेल मिलाप सौहार्द बनाए रखने कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी गई। कैमरा 24 के लिए लखनादौन से नीलेश स्थापक की रिपोर्ट। शहीदों को श्रद्धांजलि देना और अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देना, स्वतंत्रता दिवस के संबंध में भी और सावन माह में जो मेल मिलाप है, आपसी सौहार्द है, प्रेम भावना है, इसको प्रचारित करने के लिए आयोजित किया है। दमोह के हटा बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय से गुमशुदा हालत में मिली मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला और उसकी 3 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने सुरक्षित वापस घर पहुंचा दिया है। पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्य करते हुए सक्रिय प्रयास किया और ग्राम मड़ियादो निवासी उक्त महिला और बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया। हटा बस स्टैंड में एक सूचना आई थी शाम को कि एक मंद बुद्धि महिला जो बोल नहीं रही है, उम्र करीब 25 साल की, अपने साथ एक 3 वर्ष की लड़की लिए बैठी है अकेले। सूचना पर महिला सब इंस्पेक्टर परीक्षाधीन प्रशीता और महिला आरक्षक के साथ में ले जाके मौके पर वहाँ तस्दीक किए, जानकारी पता किए तो पता लगा महिला का नाम रूपा बाई है, पति हरि सिंह लोधी, ये ग्राम चनेना थाना मड़ियादो की रहने वाली है। उसकी सास को मड़ियादो पुलिस के सामने सुपुर्द किया गया सकुशल, उसे वापस कर दिया। दमोह के पटेरा थाना अंतर्गत ग्राम कोटा में 5 आरोपियों ने जैन मंदिर और 2 अन्य घरों में चोरी की थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी के मुताबिक आरोपियों के बीच हिस्सा बांटी में गड़बड़ी हुई तो शराब के नशे में सोनू साहू ने पुलिस को पूरी वारदात सुना थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और फिर न्यायालय में पेश किया। कैमरा 24 के लिए दमोह से अभिषेक पाठक की रिपोर्ट। 20-25 जुलाई की दरमियानी रात ग्राम कोटा में अनिल जैन के घर पर शांतिनाथ जैन मंदिर बाद 2 अन्य लोगों के मकानों के ताले तोड़कर करीबन 15,000 कीमती जेवरात, बर्तन, नगद राशि चोरी किए गए थे। उक्त प्रकरण में
लगातार विवेचना की जाकर आरोपी सोनू साहू, शब्बीर साय, वफाती खां, नीलेश सैन, अरविंद पटेल को गिरफ्तार किया गया है व पुलिस अभिरक्षा में माननीय न्यायालय विधि भेजा गया। देवास में शिक्षा को प्रोत्साहित करने, सड़क दुर्घटना कम करने एवं यातायात नियमों से जागरूक करने के लिए जामगौद इंटरमीडिएट स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी मौजूद रहे, जिनमें से मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। देवास भोपाल फोर लाइन कर्मचारियों द्वारा सड़क सुरक्षा व दुर्घटना से बचाव के तरीके बताए गए। कैमरा 24 के लिए देवास से राम माल्या की रिपोर्ट। देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से आज जामगौद की किसी प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों ने बच्चों के साथ एक सुरक्षा, उनकी खुद की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी और कैसे हो, इसके बारे में एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। हम लोगों का उद्देश्य था कि बच्चे पढ़ाई में सड़क सुरक्षा और बाकी सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसको अपने जीवन में लागू करें और खुद और अपने समाज को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये आयोजन जामगोद, खटम्बा और हमारे सड़क के किनारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी विद्यालय हैं, एक एक करके हम वहाँ पे करते जा रहे हैं। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में ट्रैक्टर और ट्राली पलटने से लगभग एक दर्जन किसान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह किसान फसलों की देखभाल करने के लिए खेत जा रहे थे और इस दौरान ग्राम जाखड़ के पास घटना हुई। फिलहाल घायलों का उपचार CSC में कराया गया। कैमरा 24 के लिए जोधपुर से पाबूराम सरगरा की रिपोर्ट। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया की लोकप्रियता अब दिनों दिन कम होती जा रही है। जन समस्याओं के निराकरण नहीं होने के कारण अब जगह जगह विधायक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिंडवाड़ा के विद्यार्थियों ने कॉलेज निर्माण के लिए जगह की मांग पर सुनवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन कर विधायक का पुतला दहन किया। कैमरा 24 के लिए माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट। गोरा जिले के चाचौड़ा में नामदेव समाज के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मौजूद समाज के संरक्षक कैलाश नारायण नामदेव और समाज के वरिष्ठ सदस्य विनय नामदेव ने अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कैमरा 24 के लिए चाचौड़ा से शिवम नामदेव की रिपोर्ट।